ये देखिए फ्रेंड्स, ये पुलाव कितना खिला खिला बने हैं। पता है इसको हमने बनाया है व्रत के लिए, और ये इतना डिलीशियस बने हैं ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये समा के चावल से बने हुए हैं। और साथ में बनाया है ये बहुत ही डिलीशियस तड़के वाली रायता और धनिया और मिर्च की स्पाइसी चटनी। तो व्रत स्पेशल ये तीनों रेसिपीज एक साथ आपके लिए, तो ये वीडियो को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रीतमा। तो चलिए शुरू करते हैं ये व्रत स्पेशल बहुत ही डिलीशियस समा के चावल का पुलाव। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई, ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। समा के चावल का पुलाव बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप समा के चावल, इसे व्रत के चावल भी बोलते हैं। कोई भी ग्रोसरी शॉप में आपको ये मिल जाएंगे। पहले चावल को अच्छी तरह से 2 से 3 बार धो लीजिए, और धोने के बाद चावल को 15 से 20 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। हाँ, आप इससे कम भी रख सकते हैं। इस चावल का स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत ही जल्दी पकती है और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस भी होते हैं। अब पुलाव बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई लेकर इसको थोड़ा सा हीट करके इसमें शुद्ध देसी घी 2 बड़े चम्मच डाल दीजिए। जैसे ही घी गर्म हो जाए, इसमें हम थोड़ा सा काजू डाल देंगे। फ्रेंड्स, काजू ऑप्शनल है, पर पुलाव में थोड़ा सा भुनी हुई काजू का क्रंच बहुत ही बढ़िया लगते हैं। काजू को लाइट गोल्डन करके फ्राई कर लीजिए। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए, काजू को बस इतना ही फ्राई करना है। अब उसी घी में थोड़ी सी कच्चे मूंगफली डालकर इसे भी भून लेंगे। हाँ, मूंगफली को आप तब तक फ्राई कर लीजिए जब तक ना इसका कलर गोल्डन हो जाए। 2-3 मिनट के बाद ये मूंगफली को हमने फ्राई कर लिया है, तो इसे भी एक बाउल में निकाल लीजिए। अगर आप रोस्टेड पीनट्स यूज करते हैं तो उसे बाद में डालिएगा। ये कितना बढ़िया फ्राई हुई है देखिए। अब उसी घी में 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए, उसी के साथ 2 चॉप्ड हरी मिर्च, यहाँ मैंने लिया है 2 छोटी इलायची, 3 लौंग और 4 साबुत काली मिर्चें, इन्हें भी भून लेंगे। हाँ, उसी के साथ 1 टीस्पून घिसा हुआ अदरक डाल दीजिए, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। इससे ना पुलाव में लाजवाब स्वाद आएगा। कई लोग जो है वो कड़ी पत्ता खाते हैं व्रत में, कई लोग नहीं खाते हैं। तो अगर आप खाते हैं तो डालिएगा, और नहीं खाते हैं तो मत डालिए। मसालों को 1 मिनट भून के इसमें डाइस में कटी हुई आलू डाल दीजिए। यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज के आलू को डाइस में काट लिया है। तो आलू को गोल्डन करके फ्राई कर लेना है। अब हम इसे ढक के 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आप आलू को थोड़ी छोटी पीसेस में भी काट सकते हैं। इसे मैंने थोड़ा सा बड़े पीसेस में काट लिया है, ऐसे हमें पसंद है। अगर आप आलू को छोटी पीसेस में काटते हैं तो यहाँ आपको ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आलू को हमने गोल्डन करके फ्राई कर लिया है, तो अब हम इसमें भिगा हुआ समा के चावल डाल देंगे। चावल के साथ पानी ना डालें फ्रेंड्स, और चावल को आलू और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए। यहाँ हमने 1 चम्मच रोस्टेड जीरा मसाला लिया है। आप जीरा को तावे पे भून लीजिए और उसे ग्राइंड करके इस तरह से पाउडर मसाला बना लीजिए। इससे पुलाव का स्वाद लाजवाब आते हैं। उसी के साथ 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देना है। स्वादानुसार सेंधा नमक डाल दीजिए। ये व्रत की रेसिपी है तो यहाँ हमने सेंधा नमक यूज़ किया है, और थोड़ा सा कटी हुई हरा धनिया डाल देते हैं। इस पक डालने से पुलाव का स्वाद बहुत ही बढ़िया आते हैं। आप चावल को मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट भून लीजिए, जब तक ना चावल जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाए। यहाँ हमने 2 स्लिट किए हुए हरी मिर्च डाल दिया है। इसे हमने बाद में डाला है, क्योंकि समा के चावल जो है बहुत ही छोटी वाली चावल है, तो इसीलिए इसको छानने के बाद भी इसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाते हैं। तो इसीलिए आप चावल को मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट भून लीजिए। फ्रेंड्स, इस बार चावल को भूनने से पुलाव आपके एकदम खिला खिला बनेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो 3 मिनट के बाद ये देखिए, चावल हमारा बढ़िया भुन गया है।
तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। एक कप चावल के लिए 2 कप पानी डाल दीजिए। ये माप एकदम परफेक्ट है, इससे आपके पुलाव कहीं से भी स्टिकी नहीं बनेगी, एकदम खिला खिला बनेगी। और पानी डाल के अच्छे से मिला के अब हम इसे ढक के हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 मिनट के बाद अब हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देते हैं और लो फ्लेम पे और 4 मिनट हम इसे पका लेंगे। 4 मिनट के बाद गैस बंद करके ढक्कन खोलते हैं और ये देखिए, वाओ कितना बढ़िया खुशबू निकल रहा है पुलाव से और कितना खिला खिला यह पुलाव बने हैं। ये देखिए, चावल भी हमारा परफेक्टली पक गया है, बिल्कुल भी मैशी नहीं है, एकदम नॉर्मल चावल का पुलाव जो हम खाते हैं ना वैसे बने हैं। तो अब हम इसमें फ्राइड मूंगफली और फ्राई किए हुए काजू डाल देंगे, ऊपर से थोड़ी सी नींबू को इस तरह से निचोड़ के डाल दीजिए और थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया। बस सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। कुछ लोग व्रत में नींबू नहीं खाते हैं तो आप नींबू को स्किप कर सकते हैं। इनमें से जो जो चीज़ें आप व्रत में नहीं खाते हैं उसे आप स्किप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पुलाव का टेक्सचर। तो अब हम इसे ढक के 10 मिनट ऐसे ही रख देंगे ताकि पुलाव जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए और चावल हमारा और भी खिला खिला बन जाए। और फ्रेंड्स, उस दौरान हम पुलाव के लिए रायता और चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ एक बाउल में हमने 1/2 कप दही लिया है और दही को अच्छी तरह से थोड़ी सी पानी मिला के फेंट लिया है। फ्रेंड्स, आज हम ये रायता थोड़ा सा तड़के के साथ बनाएंगे। तो तड़के के लिए और उसको थोड़ा सा हीट करके 1 चम्मच घी को गर्म कर लेंगे। घी को मेल्ट करके इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल दीजिए, उसी के साथ 1 चॉप्ड हरी मिर्च, थोड़ा सा करी पत्ता। बस इनको कुछ सेकंड्स भून लीजिए। तो कुछ सेकंड्स इनको भून के ये तड़का हम डाल देते हैं दही के ऊपर। रायते में तड़का लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इससे ना रायते का स्वाद उभर कर आएगा। यहाँ हम 1/4 छोटा चम्मच भुनी हुई जीरा मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया, और ये मेरे पास अनार था तो इसीलिए थोड़ा सा अनार के दाने इसमें डाल दीजिए। और ये हमारा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट रायता बिल्कुल तैयार है। इसे देखकर आपको क्या लग रहा है, ये व्रत की रेसिपी है? नहीं ना, ये बहुत ही डिलीशियस बनी है फ्रेंड्स। तो आप झटपट चटनी बना लेते हैं। तो उसके लिए एक मिक्सर कंटेनर लीजिए। यहाँ हम थोड़ा सा धनिया पत्ता उसके स्टेम के साथ डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा कटी हुई अदरक, 2 हरी मिर्च, नमक हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार, ये सेंधा नमक है, 1/2 नींबू का रस, ऐसे निचोड़ के डाल दीजिए नींबू को, 1-2 चम्मच पानी डाल के जार के ढक्कन लगा के इसको हम पेस्ट बना लेंगे। और ये हमारा बढ़िया सी खट्टी मीठी स्पाइसी मिर्च धनिया की चटनी बिल्कुल तैयार है। ऊपर से थोड़ा सा जीरा मसाला डाल के ये देखिए फ्रेंड्स, चटनी का टेक्सचर कितना बढ़िया आ चुका है। और इधर 10 मिनट के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही खिला खिला डिलीशियस समा के पुलाव तैयार है। आप देख सकते हैं पुलाव का टेक्सचर। इसे देखकर आपको क्या लग रहा है, ये व्रत की रेसिपी है? नहीं ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही डिलीशियस बनी है। यकीन मानिए, इस तरह से ये पुलाव को आप बना लीजिए, आप इसे बिना व्रत के भी खाना चाहेंगे। फ्रेंड्स, आप पुलाव को ऐसे भी खा सकते हैं चटनी और रायते के बिना, पर अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप चटनी और रायता को बना लीजिए और एक बार बना के आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भर के पूरा व्रत के टाइम तक इसे आप खा सकते हैं। फ्रेंड्स, व्रत स्पेशल एक से बढ़कर एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज है मेरे चैनल पे। प्लीज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगी होगी।